हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने हूं और एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। आप लोगों ने उस टॉपिक पे, वैसे तो मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं लेके आना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों के इतने कॉल्स आते रहते हैं, इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, तो फिर मैंने आज डिसाइड किया कि आज इसी टॉपिक को हम अपने इस वीडियो में कवर करते हैं। क्योंकि चारों तरफ मार्केट में पिछले एक महीने से, डेढ़ महीने से इतना र्यूमर और कन्फ्यूज़न फैला दिया गया है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। हुड्डा के प्लॉट्स के रेट गिरेंगे, बढ़ेंगे, हुड्डा में जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं उनका रेट्स का क्या सीन रहेगा, इन चीज़ों पे लेके कोई भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मैं आज आपको वो चीज़ें बताऊंगा हुड्डा के प्लॉट्स और बिल्डर फ्लोर्स के रेट से रिलेटेड, जो अभी तक शायद किसी ने नहीं बताई होगी। अभी तक जो भी लोग बताते जा रहे हैं सिर्फ एक ही बात कि जी हाँ रेट घटेंगे, रेट घटेंगे। अरे भी कोई उनसे पूछने वाला हो कि इसका कोई लॉजिक भी है आपके पास कि रेट क्यों घटेंगे, आज मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा और फिर आप डिसाइड करना क्या जो बातें मैंने आपको बताई वो सही हैं या गलत हैं। तो मैं नरेश सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हुड्डा सेक्टर्स के प्लॉट्स और बिल्डर फ्लोर्स के रेट पर, और आगे उन रेट्स का कितना रिवीजन पॉसिबल है, अप्रिसिएशन पॉसिबल है या डेप्रिसिएशन पॉसिबल है, इन सभी टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो पिछले डेढ़ महीने से जो मार्केट में कुछ एनालिस्ट लोग हैं, कुछ यूट्यूब पे भी आपको लोग मिल जाएंगे, जिस दिन फोर्थ फ्लोर को बंद करने का सरकार का डिसीजन आया, अगले दिन से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब 25,000 का फॉल आएगा, 30,000 का फॉल आएगा, कुछ लोगों ने तो 50,000 तक की प्रिडिक्शंस जो है कंज्यूमर्स के सामने, क्लाइंट्स के सामने रखी। तो लेकिन उन सब चीज़ों से किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हुआ। जस्ट एक मार्केट में कन्फ्यूज़न की सिचुएशन आई जो अब धीरे धीरे छटती जा रही है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के पीछे के लॉजिक्स को समझना होगा। अब सिर्फ ये बोल देना कि जी रेट घटेंगे, 25,000 से 50,000 घटेंगे, कोई सेंस नहीं है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि चौथा फ्लोर परमानेंटली बंद भी हो जाता, तो अभी 2 साल तक मार्केट में उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होने वाला था। कुछ लोग कह रहे थे कि जी अब बिल्डर्स काम करना बंद कर देंगे। अरे भाई बिल्डर्स क्यों काम करना बंद करेंगे? जो उस डेट से 23 मार्च से पहले के जो प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स ने स्टार्ट किए हुए हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं स्टिल प्लस 4 के प्रोविज़न के साथ। जिन बिल्डर्स ने आगे अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने थे उन्होंने ऑलरेडी अपने नक्शे पास करा रखे हैं। जिन्होंने अप्रैल में या मई में या जून में अपना प्रोजेक्ट किसी भी सेक्टर में स्टार्ट करना था उसके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड नक्शा रखा हुआ है, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन किसी भी दिन चालू कर लेगा। और दूसरी चीज़, जो अभी पिछले 2-3 महीने में जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं बिल्डर्स ने हुड्डा सेक्टर्स में, उनको बनने में 1.5 साल लगेगा, और आगे कम से कम 3 महीने में जो नए लॉन्च होंगे उनको बनने में 1.5 साल लगेगा। तो हमारा 23 और 24 तो वैसे ही चला जाएगा। बिल्डर फ्लोर्स ऑलरेडी ये तो मान सकते हैं कि जिन लोगों ने साल के एंड में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था या लॉन्च करना था, तो अब उनके लिए फोर्थ फ्लोर का जो है प्रोविज़न ख़त्म हो गया है, तो अब दिक्कत आएगी। तो उसका जो इम्पैक्ट है बिल्डर फ्लोर्स की इन्वेंट्री पे या किसी भी चीज़ पे या प्राइसिंग पे या रेट पे, शायद हमें 2 साल बाद देखने को मिलता। लेकिन अब सरकार ने धीरे धीरे वो भी ख़त्म कर दिया। पहले कमेटी बना दी, उसको एक डेडलाइन दे दी 4 वीक्स की। अब जो है कमेटी बनाने के बाद परसों मुख्यमंत्री साहब ने एक और चमत्कार कर दिया,
एचएसवीपी के अधिकारियों की मीटिंग बुला के उनको बोल दिया कि भी आप स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर की पॉलिसी का नया ड्राफ्ट तैयार करो। अब हो सकता है उसमें कोई छोटी वोटी कुछ लिमिटेशंस लगा दें या कुछ कंडीशंस लगा दें ओनर्स पर या बिल्डर्स पर, लेकिन वो चलती रहती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, हर किसी फील्ड में जो है आप लोगों के सामने आती हैं। आप भी जो काम करते होगे उसमें भी सामने आती हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी सामने आती हैं। तो कहीं भी दूर दूर तक कोई भी लॉजिक रेट गिरने का तो अभी तक हमें तो नहीं मिला। पिछले एक या डेढ़ महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा रीज़न मिले, कोई वैलिड रीज़न मिले। लोग सिर्फ दो ही चीज़ें बोल रहे थे कि जी एक फ्लोर ख़त्म हो गया, सीधा ही 1.5 करोड़ रुपए कम हो गया जी, बिल्डर का तो मार्जिन ख़त्म हो गया जी। अरे भाई, बिल्डर का मार्जिन तब ख़त्म होगा, अभी तो बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री है ऑलरेडी। पिछले तीन महीने हैं उसमें उन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, अगले 3 महीने की जिन्होंने प्लानिंग कर रखी थी उनके पास नक्शे रखे हैं, तो इन्वेंट्री कहाँ से ख़त्म होगी? अपना वो बनाते जा रहे हैं, 1.5 साल में उनके प्रोजेक्ट तैयार होंगे, मार्केट में आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारे साइजेस मिलेंगे। तो मैं तो 1.5 महीने से उस पर्टिकुलर रीजन की तलाश कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी मैंने बहुत से लोगों को देखा सुना, मार्केट में भी बहुत से लोगों के साथ उठना बैठना है, उनसे भी रिव्यूज़ लिए, उनसे भी उनके ओपिनियन लिए, कोई रीज़न नहीं दे पाया सेटिस्फैक्ट्री रीज़न, या एक कि जी ये एक रीज़न है, ये वैलिड रीज़न है, इसकी वजह से जो है रेट कम होना चाहिए। एक ही बात है सभी के पास, जी चौथा फ्लोर ख़त्म हो गया, 1.5 करोड़ रुपए उसकी वजह से चला गया है। अब वो 1.5 करोड़ रुपए उसमें से 50 कंस्ट्रक्शन का था, तो चलो 50 तो वो कम कर दो, बाकी बच गया 1 करोड़ रुपया, वो फ्लोर के प्लॉट के रेट में से कम हो जाएगा। अरे वाह भाई, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त फॉर्मूला निकल के आया है पिछले 1.5 महीने में कि जी 50 कंस्ट्रक्शन में से घटा दो, 1 प्लॉट के रेट में घटा दो, अब ये 25-30% का आपको फॉल जो है ऑल सडन फॉल मार्केट में मिल गया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अब आप एक बार उन सभी लोगों से जाके ज़रूर पूछना जिन जिन लोगों ने आपको बताया या आपको बोला कि जी रेट गिरने वाले हैं, अब आप उनसे बोलो कि जी रेट गिर गए होंगे, 1.5 महीना हो गया, और कब गिरेंगे फिर? तो 25-30 हज़ार रुपये का जो डाउनफॉल बता रहे थे, अब आप उस पर हमें कोई चीज़ दिलवाओ तो सबको सांप सूंघ जाएगा, किसी के पास कुछ नहीं है बोलने को। क्यों? कुछ मिल ही नहीं रहा। वही रेट जिस रेट पे जनवरी में चीज़ें मार्केट में अवेलेबल थी, उसी रेट पे आज मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को टेस्टिफाई करना, जिन जिन लोगों ने आपको बोला है या जिन जिन लोगों को आपने सुना है ये बोलते हुए डाउनफॉल आएगा, तो उन लोगों को आप एक बार बोलो कि भैया हमारी मीटिंग कराओ 25-30 हज़ार रुपये के रेट, कम रेट पर किसी भी प्लॉट के लिए या बिल्टअप हाउस के लिए, और फिर उनके रिएक्शंस देखो। तो इसलिए रूमर्स के साथ मार्केट में कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए, ये मेरी आप लोगों को सलाह है। उन लोगों को अपना काम करते रहने दो जो उन्होंने करना है, आप उनके साथ साथ अपनी चाल को मत बदलो। आप रूमर्स के ऊपर बिल्कुल भी गौर करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मार्केट में चाहे कोई भी चीज़ आती है, आप उसको स्टडी करो, उसको रिव्यू करो, उसके क्या रीजंस हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसको उन सबको स्टडी करने के बाद अपनी फ्यूचर की जो प्लानिंग है या जो स्ट्रेटजी है उसको बनाओ, ये सबसे अच्छा रास्ता है। तो कहीं भी ना प्लॉट के रेट गिरे हैं, फ्लोर्स के रेट भी एज वेल जो 2 महीने पहले थे वही रेट्स मार्केट में चल रहे हैं। हाँ, एक टाइम के बाद हर चीज़ का रेट बढ़ता है, तो फ्लोर का भी रेट धीरे धीरे जो है बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आज जो रेट है वो 6 महीने बाद नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद आपको बढ़ा हुआ ही रेट मिलेगा। तो किसी भी चीज़ का रेट नहीं गिरने वाला है। कुछ लोग बार बार फ़ोन करके ये भी पूछते हैं कि जी क्या ये टाइम जो है बिल्कुल ठीक है प्रॉपर्टी खरीदने का, या कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए? उन लोगों को मेरी एक खास सलाह है। अभी आपने 1 महीने पहले ही, शायद फरवरी की ही बात है, मैं बहुत ज़्यादा तो शेयर मार्केट में वो इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन कुछ दूर दूर की कुछ जानकारियाँ रहती हैं,
तो आपने अदानी के साथ जो हुआ वो सबने सुना होगा। अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर आई थिंक शायद उसने बॉटम जो टच किया वो लगभग 1100 रुपये के आसपास का बॉटम टच किया, और मैंने 3 फरवरी को 1150 रुपये के भाव पे अदानी परचेज कर लिया। सब लोग मना कर रहे थे, छूना मत, आग है, आग लग जाएगी और जल जाओगे। मैंने उनको सबको इग्नोर करके 1150 के भाव पे अदानी खरीद के बैठा हूँ। अदानी एंटरप्राइजेस आज का भाव आपको पता है मार्केट में क्या है? 2200 रुपये तक जाए, आज मेरे हिसाब से 1800, 1850 पे चल रहा है। तो भैया, जब किसी भी अनएथिकल न्यूज़ की वजह से या किसी र्यूमर की वजह से या बिना सर पैर की बात की वजह से, और मार्केट में किसी भी इंडस्ट्री की मार्केट में जब ऐसी सनसनी फैलती है या ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, मैं एक चीज़ मानता हूँ, बायर्स के पास वो सबसे सुनहरा मौका होता है या इन्वेस्टर्स के पास वो सबसे सुनहरा मौका होता है उस मार्केट में एंट्री करने का। उस टाइम पे आप रेट्स के साथ नेगोशिएट करो, आपको इतने अच्छे रेट्स मिल जाएंगे जो ना पहले मिल रहे थे और ना आगे मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, जब मार्केट में ऑलरेडी इतने नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं, जो मुझे नहीं लगता पर्टिकुलरली कि वो नेगेटिव हैं। किसी में भी मुझे नेगेटिव वाली कोई बात नज़र नहीं आती, मेरे पास सबका लॉजिक है। आप एक एक का पूछोगे ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक एक का जवाब दे दूंगा। हर किसी का लॉजिक है मेरे पास कि इससे ये नहीं होगा और इससे ये होगा तो क्यों होगा। तो मेरी हमेशा से एक राय रही है, जिस भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, शेयर मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जब उस मार्केट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स या न्यूज़ का फ्लो चलता है, वो इन्वेस्टर के लिए एंड बायर के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है उस मार्केट में एंट्री करने का। तो गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री करने का ये सबसे अच्छा टाइम है, खास करके ये जो प्लॉट और बिल्टअप हाउसेज वाली जो बात चल रही है। बिल्डर फ्लोट का तो यही रेट है, चलता रहेगा, टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे प्लॉट में अप्रिसिएशन आएगा, फ्लोर का अप्रिसिएशन आ जाएगा। और इन डिसीजंस की वजह से अगर हम टाउनशिप्स, प्राइवेट जो टाउनशिप्स हैं उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट आया है या किसी ने बात भी की होगी। सभी बात कर रहे थे, हुड्डा 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 चिल्ला रहे थे। तो इतना ही मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, और इतने में ही शायद आपको समझ जाना चाहिए कि ये सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। रूमर्स के साथ मार्केट में मत जाओ, अपने डिसीजंस खुद लो। हाँ, अपनी रिसर्च करो, जितनी भी करनी है आपको, वो अपनी कंप्लीट रिसर्च करने के बाद अपने डिसीजंस, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग खुद बनाओ। तो रेट से रिलेटेड यही सारी चीज़ें थी आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने को। इसके अलावा ये आपको शायद मैं बता मेरे भी वीडियो हैं और भी बाकी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल गई होगी कि सरकार ने बोल दिया है कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की पॉलिसी का नया ड्राफ्ट बनाओ, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें आने वाले कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। बिल्कुल ही सबका मुंह बंद हो जाएगा उसके बाद। वैसे तो हो चुका है, लेकिन और हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत कहीं से खुला हुआ है तो। और मेरा ओपिनियन आप सभी के लिए यही है, रेट को लेके रेट गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। आप एक चीज़ तो कन्फर्म मान लेना, मेरे आज की बात को नोट कर लेना, अगर आपके सामने डायरी, पेन, मोबाइल कुछ भी है लिखने के लायक तो नोट कर लेना, रेट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। हाँ, 2 महीने बाद आप लोगों का ये कॉल जरूर आएगा, सर मार्च में तो इस रेट में आप दे रहे थे चीज़, अब आप 10,000 20,000 रुपये फिर से बढ़ा दिया। भैया प्रॉपर्टी है ना, तो मैं हूँ बढ़ाने वाला, जिस आदमी की चीज़ है या जिस ओनर की चीज़ है वो बढ़ाता है। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, हम कोई भी नहीं है उतर किसी भी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ाने वाले या गिराने वाले। तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है, रेट बिल्कुल भी फॉल नहीं होगा किसी तरह का, ना हल्का ना फुल्का ना भारी ना तेज, किसी भी तरह का डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये थी रेट की बात।
प्लॉट्स और बिल्ट अप हाउसेज के रेट की बात, दूसरा फ्लोर के रेट की बात, वो मैंने आपको बता दी। बिल्कुल जैसे मार्केट में हमेशा से चलते आ रहे हैं वैसे ही उसी स्पीड में चल रहे हैं। 2 महीने बाद देखोगे, 4 महीने बाद देखोगे, 6 महीने बाद देखोगे, कुछ ना कुछ बढ़े हुए रेट मिलेंगे आपको आज जो रेट हैं उससे कंपेरेटिवली कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन उस रेट में मिलेगा। और तीसरी जो बात लोग बार बार पूछ रहे थे कि जी ये सही समय है या नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से इससे अच्छा समय 2024 में तो नहीं आएगा जो अभी जो समय चल रहा है। तो बाकी इससे इस समय से रिलेटेड अगर कोई आपके पर्सनल और भी कुछ सवाल हैं तो वो आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पे 9119119605 पर व्हाट्सएप कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो आज के इस टॉपिक पर इतना ही था मेरे पास आप सब लोगों को बोलने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना आप लोगों की तरफ से, तो आप लोग मैसेज कॉल करते रहा करो और बताते रहा करो कि जी इस चीज़ पे बोलना है उसी चीज़ पे बोल लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो हम उन लोगों में से कि आज कुछ बोल दिया 4 दिन बाद भैया अरे अच्छा 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 उसका वो तो मैंने इस वजह से बोल दिया था, नहीं 1.5 महीने से जो बोल रहे हैं वही आज बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं गिरेगा जी। अब सरकार ने भी मोहर लगा दी है, अब और इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या चाहिए अभी। और अगर इससे भी अगर किसी की संतुष्टि नहीं होती है तो फिर उन लोगों से पूछ लेना भाई, वो आपको संतुष्ट कर देंगे जो कह रहे हैं जी गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, वो उसका रीज़न दे देंगे, उनसे ले लेना। मेरे पास तो अपनी बात को कहने के लिए यही सारे के सारे रीजन्स थे। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसका भी देख लेना, सोच लेना। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। और अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रही है तो वो बता देना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना जहाँ जहाँ तक कर पाओ, अगर अच्छा लगे तो कर देना, नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है उस चीज़ की भी। हम तो फ्री के सलाहकार हैं। नमस्ते।